नमस्कार, डीएनए न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मानसी समाधि आपके साथ। सबसे पहले तो डीएनए न्यूज की तरफ से आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज अयोध्या के राजा राम हैं। राम आज्ञाकारी पुत्र हैं, माता सीता के पति राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भाई राम, हनुमान के प्रभु श्री राम, गुरु वशिष्ठ के अति प्रिय शिष्य राम, प्रजा के महान राजा राम, केवट और शबरी के राम, इतनी सारी भूमिकाएं और हर भूमिका में वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ऐसे राम जिनके मनोबल के आगे समुद्र को भी नतमस्तक होकर रास्ता देना पड़ा। ऐसे राम जो माता कैकेयी की इच्छा और पिता के वचन के लिए हंसते हंसते 14 साल का वनवास भोगने के लिए सहज ही राजी हो गए। त्रेता युग में राम की विजय सिर्फ अस्त्र और शस्त्र से पाई जाने वाली विजय नहीं थी, ये विजय प्रतीक थी। उनके सदाचार, मानवीय संवेदना, दया, करुणा, प्रेम के जरिए प्राणी की प्राणी पर विजय की। पर आज कहाँ है ये भाव? क्या हम सब में कहीं थोड़े भी बाकी है राम? आज राम का नाम लेने वाले तो लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, पर क्या राम सी सीरत कहीं बाकी है? आज अपने इस कार्यक्रम में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन आज के समाज में कितना प्रासंगिक है, इस बात पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं रामकथा कहने वाले पंडित नीलिम्ब त्रिपाठी जी और धर्मज्ञ रामेश शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि कितना जरूरी है राम के आदर्शों को आज हमें अपने जीवन में उतारना? रमेश जी। अच्छा, स्वाभाविक रूप से राम का जो प्रतीक है वो आदर्श के ही प्रतीक है जी। और राम का आदर्श अगर हमारे जीवन में रहेगा तो मैं समझता हूँ जीवन विस्तार की ओर जाएगा, कल्याण की ओर जाएगा जी। जैसा कि कहा गया है कि रोम रोम में राम जी। तो रोम रोम मनुष्य की देह का रोम नहीं है जी। रोम है संपूर्ण प्रकृति का रोम जी। जैसे अगर हम संस्कृत के व्याकरण की दृष्टि से नीलिम्ब जी और अच्छा विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगर संस्कृत की हम धातु और व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो जो नाम है जिसमें जो रा आता है वो रम्यता का प्रतीक है। रम्यता है प्रत्येक कण की, प्रत्येक पल में, जो समय में भी है और वस्तु में भी है, प्रकृति में भी है। आकार का प्रतीक है आकाश का, वो व्यापकता का प्रतीक है। और मां प्रतीक है प्रकृति का जी। तो राम शब्द में जो छुपा हुआ है कि जब भी व्यक्ति शून्य से सृष्टि का निर्माण होता है, बिंदु से विराट का निर्माण होता है, एक छोटा सा बच्चा बड़ा होकर के एक महान आदमी बनता है, इसको हम दो तीन तरीके से ले सकते हैं। अगर जीवन की तर्ज से लें तो एक छोटा सा बच्चा बड़ा होकर के बनता है, उस पूरी प्रक्रिया का नाम राम है। या मान लीजिए एक छोटा सा व्यक्ति अपने उद्यम से बहुत बड़ा अमीर आदमी बनता है, यश कमाता है, बड़ा वैज्ञानिक बनता है। तो हम जहां भी शून्य से सृष्टि की यात्रा में जहां आते हैं उसका नाम राम है। इसलिए कहा गया कि वो रोम रोम में बसा हुआ है। अगर आप में प्रकृति के विस्तार के गुण हैं, प्रगति की तरक्की के गुण हैं, आप में आगे बढ़ने की क्षमता है, गतिमानता का गुण है, तो इसका अर्थ है कि आप में राम का गुण है। बिल्कुल। साथ ही नीलिम्ब जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि श्री राम के आदर्श आज कितने प्रासंगिक हैं? वस्तुतः रमन्ते योगिनो यस्मिन यस्य सह रामः। राम जी वो विभूति हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनमें रमण करता है जी। जैसे इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति सत्य उसे प्रिय है जी। वो कहता रहता है मुझसे सच बोलो, अर्थात वो सच के प्रति उसका आग्रह है जी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे हमारे आदर्श हैं। आदर्श का अनुगमन करना चाहिए। व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत हो सकता है, कुछ बाएं दाएं हो जाए, लेकिन उसका अंतःकरण चाहता है मुझसे कोई सत्य बोले, मुझे कोई किसी प्रतिकूलता में मैं न पड़ूं। और ये हर व्यक्ति की बात है, हर व्यक्ति अपने आप को इस कसौटी पर प्रतिपल परखता रहता है और वो ये चाहता है कि मैं सात्विक धन कमाऊं, मैं सत्कर्म करूं, मैं परोपकार में रत रहूं, पूर्ण अर्जन करूं। और विजयादशमी के इस पावन पर्व पर भगवान राम के उस उदात्त चरित्र को हम देखते हैं, कैसे 9 दिनों तक उन्होंने समाराधना की। उन्हें तो लग रहा था कि वो कैसे जीतेंगे। भगवान राम ये सोचने लगे कि ये ब्राह्मण है रावण, ये चक्रवर्ती सम्राट है, इसने तो संपूर्ण कैलाश को उठाया हुआ है, मैं तो भी ठीक से युवराज भी नहीं हुआ। भगवान शंकर जी की तो मैं केवल पूजा आराधना ही करता हूँ, इन्होंने तो शिवतांडव सुनाकर पूरे कैलाश को उठाया था।
ये कितने प्रतापी हैं, मैं इनसे कैसे जीत सकूंगा। तब ऋषि सत्ता आई थी, अगस्त्य मुनि आए और उन्होंने कहा कि राम तुम सूर्य वंश के दीपक हो, तुम्हें सत्य का पक्ष लेना है और सत्य का पक्ष ये है सामने चाहे जो होगा एक न एक दिन उसे धराशायी हो जाना होता है, ये सत्य का बल है। तब उन्होंने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र बताया, 9 दिनों तक उन्होंने देवी की आराधना की, जिसके फलस्वरूप ये 10वें दिन ये विजयादशमी पर्व आया। 31 बाण चलाए थे, 10 बाणों से सिर कटे, 20 बाणों से 20 भुजाएं कटी थी रावण की, और 31वें बाण में जो अग्नि बाण था वो नाभि में लगा है और अमृत सूख गया। इस संसार में पुण्य का अमृत रहता है, लेकिन जब व्यक्ति पाप करता है तो उसके अंदर कलुष, निंदा, हिंसा, ये तत्व उभर आते हैं। और जब सत्य के भगवान राम आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं, तब वो असत्य पराभूत होता है, सत्य विजयी होता है। और आज भी प्रत्येक व्यक्ति में ये पुण्य हानि, लाभ जय पराजय, यश अपयश, ये अंदर अंतर द्वंद्व लगा रहता है, लेकिन हमारा अंतःकरण, हमारी आत्मा तब जीत जाती है जब मन के ऊपर हमारी आत्मा का शासन होता है, हम विवेक से सत्व से कार्य करते हैं। जी जी रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज क्या राम के जो आदर्श हैं, जो राम के अंश हैं, वो आज के समाज में हमें कितना देखने को मिलते हैं। वे एक बहुत अच्छे बेटे थे, बहुत अच्छे पति थे और बहुत अच्छे राजा भी थे। उन्होंने जिंदगी में जो कुछ किया वो बहुत बहुत अच्छे से किया, तो आज के समाज में क्या हमें कितना अंश देखने को मिलता है श्री राम का। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, राम को हम समाज जितना पूछता है, जितना आरती उतारता है या जितना नाम लेता है, उतने लेश मात्र भी चरित्र में उसके राम नहीं होते। और अगर चरित्र में राम होते तो इतनी बुराइयां नहीं होती। समाज मंदिर में जाता है, उनको सिर झुकाता है, उनके सामने नारियल चढ़ा लेगा, प्रसाद चढ़ा लेगा, टीका कर लेगा और मंदिर से निकल करके वो अपनी दुनिया में चला जाता है। तो मोटे के तौर पर जो राम आदर्श के लिए संसार में आए और उनका एक एक कदम, एक एक निर्णय, एक एक काम, यह कहें तो उनकी एक एक सांस जो जल कल्याण के लिए थी, आदर्श देने के लिए थी, इंसान उसको भूल करके केवल उनकी पूजन करने लगा है। किसी ने सही कहा है कि हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की एक बात नहीं मानते, और मंदिर में उनकी मूर्ति में बिठा करके समाज अपने में लग गया है। इसलिए जो हम समाज में बुराइयां देख रहे हैं, कलुष देख रहे हैं, तनाव देख रहे हैं, संघर्ष देख रहे हैं, वो केवल इसलिए हैं कि व्यक्ति के जीवन में राम के आदर्शों का लोप हो गया है। जी बिल्कुल, साथ ही नीलम जी, जैसा कि रमेश जी ने कहा, मैं वैसा ही वही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हम राम की पूजा करते हैं, उन्हें आदर्श मानते हैं, हर साल दशहरा पर अच्छाई की जीत मनाते हैं, फिर बाकी पूरे साल हमारी अच्छाई कहाँ जाती चली जा रही है। वस्तुतः ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये 6 जो दोष हैं ये प्रत्येक में रहते हैं। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सत्व भी रहता है और किंचित मात्रा में पाप भी रहता है, और ये दोनों मात्रा भेद से कम ज़्यादा होते रहते हैं। जब राम का युग था तब उस समय भी तो आखिर रावण था, बिल्कुल पाप था, पुण्य था। द्वापर युग में अगर कृष्ण थे तो कंस भी था, और आज के समय में भी अनेक दुरात्मा हैं जो दिखाई देते हैं कि बड़े वैभव संपन्न हैं, लेकिन अगर दोनों में आनुपातिक भेद की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति आदर्श किसको मानता है? व्यक्ति राम को आदर्श मानता है, व्यक्ति कृष्ण को आदर्श मानता है। आज भी समाज में जो अच्छे लोग हैं हम उन्हें आदर्श मानते हैं, उनका नाम लेके ही हम खींचे चले आते हैं क्योंकि हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, वे अच्छे हैं, उनका अंतःकरण पवित्र है, निर्मल है। लोग सांसारिक दृष्टि से चाहे जो संवाद करें, जिसके मुंह पे जो बात करें, लेकिन पीठ पीछे वो अपने आप को धोखा नहीं देते, वे केवल कुल और शील को मानते हैं। जिसका शील अच्छा है उसे ही अपने घर में बार बार बुलाते हैं, आदर पूजन करते हैं, सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरण धोते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं, और कुल का, शील का, विद्या का, विनय का, यह संसार है और सब पारदर्शी है,
एक दूसरे की बात समझ में आती है, जिसका जिससे प्रेम है उसको कहने की जरूरत नहीं है, ये अंतःकरण का तादात में है कि हम उस पर विश्वास करते हैं, ये सभी जानते हैं। रमेश जी आपसे पूछना चाहूंगी कि श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप आज के युग में कितना सार्थक है, अगर यदि इस युग में श्री राम होते तो कैसे होते? देखिए मोटे तौर पर जैसा कि हम लोगों ने बातचीत यहीं से शुरू की थी, उनका जो मर्यादा का स्वरूप है, उनका जो आदर्श का स्वरूप है, वो न केवल आज के युग में बल्कि हर युग में प्रासंगिक ही रहा है। और जब भी कभी आप ये देखें कि जब भी कभी समाज में मर्यादा भंग होती है और अमर्यादित लोग ज़्यादा आते हैं, तब या तो हम इसको अगर आस्था की दृष्टि से कहें कि भगवान जी अवतार लेते हैं और समाज को सीख देते हैं, या उसको अगर दूसरे दृष्टि से कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि समय समय पर महापुरुष ऐसे आते हैं, जैसा कि नीलिम्प जी ने कहा कि जब सत्य होगा वहाँ तम भी होगा, जितना सत्य है उतना ही असत्य होगा, जितना अंधकार है उतना ही प्रकाश होगा, लेकिन कई बार असत्य और अंधकार हमको ज़्यादा व्यापने लगता है, सत्य जब कमज़ोर होता है तो प्रकृति किसी न किसी को निमित्त बना करके सत्य की स्थापना का संघर्ष करती है। जी ठीक उसी प्रकार राम ने एक आदर्श की स्थापना उस युग में की और उनके आदर्श आज भी मौजूद हैं। और ये ठीक है कि जब भी कभी बाढ़ आती है, हल्की चीज़ और गंदगी चीज़ ऊपर तैरती है और हमारी नज़र में जाती है और भारी चीज़ और अच्छी चीज़ पानी में बैठती है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक सफ़ेद कागज़ है और उसमें कहीं से थोड़ा सा डॉट लग जाए तो यद्यपि वो 1% भी नहीं होता लेकिन हमारी दृष्टि उस बिंदु उस दाग की तरफ जाती है। ठीक उसी प्रकार जब भी कभी समाज में बुराइयां आती हैं, हम बुराइयों की चर्चा ज़्यादा करते हैं, लेकिन चूंकि राम है उनका आदर्श है तो अच्छे लोग हमेशा ज़्यादा रहे हैं, अच्छा भी है, राम की शिक्षा उनका आदर्श उनकी मर्यादा आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल नीलिम्प जी, राम की यदि बात की जाए तो बेहद शीतल व्यक्तित्व के राम, बहुत ऊंचा उनका व्यक्तित्व रहा, तो आज की यदि बात की जाए तो क्यों ये व्यक्तित्व आज राम के भक्तों में ही दिखाई नहीं पड़ता, क्या कुछ ऐसा उस वक्त था जो आज गुम हो गया है? वस्तुतः रहता तो है, आप ये कहें कि बहुत मुखरित नहीं होता, क्योंकि जो दानवों के अनुयायी हैं वे बहुत ही विभीषण स्वरूप रख लेते हैं और भीषण तांडव करते रहते हैं, पर मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त मर्यादित रहते हैं। चार तरह के नायक होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोधत। जिसमें जो धीरोदात्त नायक हैं भगवान श्री राम, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आज भी गुणी ज्ञानी वे मार्केट में नहीं हैं, वे घरों में हैं, वे अपने अंतःकरण में हैं, वो आनंदित हैं और वे जहाँ हैं वहाँ आनंद है। देखिए जिसकी निकटता में आनंद आने लगे, आप समझिए इसमें ईश्वरत्व का गुण विद्यमान है, और जिसकी निकटता में प्रपंच जागृत हो जाए, कलुषित शब्द बोलने का मन करने लगे और लगे कि कुछ 3-5 हो रही है, आप समझ जाइए आसपास कोई ऐसा तत्व है जो नकारात्मक है। तो तत्व सत्व और नकारात्मकता के बीच में है। आदरणीय रमेश जी ने जो संकेत किया कि प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक चीजें विद्यमान रहती हैं, लेकिन जब व्यक्ति का सत्व बढ़ता है तब तम और रज दब जाता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक सात्विक महापुरुष हैं, मर्यादित आचरण करने वाले हैं। अल्पकाल विद्या सब आई, अर्थात एक व्यक्ति वर्षों बरस पढ़ता रहता है पर शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाता, लेकिन भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के जो उनके अनुयायी हैं वो अल्पकाल में ही उन्हें सब विद्याएं प्रकट हो जाती हैं। ये परंपरा का बोध है, जो परंपरा से जुड़ा रहेगा वो मर्यादित आचरण करेगा। जिसको भी अपने कुल का भान होगा वो कभी उच्छृंखल नहीं हो सकता, वो कभी चौराहे पे उत्पात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि वो किस वंश परंपरा की बेल है, वो कहाँ लहरा रही है, कैसा आचरण करना चाहिए। हम अमर्यादित नहीं हो सकते, अनंत प्रयास भी करें तब भी हम अमर्यादित नहीं हो सकते, क्योंकि हमें परंपरा का बोध है। भारतीय शिक्षा पद्धति में यदि अपनी उस मर्यादा का ज्ञान का, जिस आज रामनवमी पे जिस दशहरे पर न्यायालयों में भी अवकाश रहता हो, गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती हो, कहीं
ऐसा तो नहीं कि हम उस पर हाथ रख के कसम खाते हैं और उसको नहीं मान रहे हो। तो हमें पारदर्शी जीवन जीना होगा, जो हमारे हृदय में है वही व्यवहार में हो, और जब वह व्यवहार में होगा तब कलुष नहीं होगा, अंधकार नहीं होगा, पीड़ा, निंदा, कुंठा, अवसाद नहीं होगा, प्रत्येक मुख कमल की तरह खिले रहेंगे। तब राम राज दुख काहू न व्यापा, कोई भी दुखी नहीं होगा, वही राम राज्य होगा। जी, बहुत सुंदर वर्णन नीलम जी आपने किया, और बहुत बड़ी बात आपने कही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आदर्शों को मान रहे हैं पर सचमुच हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे, हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं राम के आदर्शों को। फिलहाल आप बने रहिए DNN न्यूज़ पर, ब्रेक के बाद आपको राम के चरित्र से जुड़ी हुई और कई बातें बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, नीलम त्रिपाठी जी और रमेश शर्मा जी, जल्द लौटेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रो, कल पृथ्वी शॉ ने तो कमाल ही कर डाला, 18 साल की उम्र में पहले टेस्ट में शतक ठोक डाली। यार कमाल तो तुम भी कर सकते हो। वो कैसे भाई, क्रिकेट मैच तो आए दिन होते रहते हैं, बल्लेबाजी का, शतक मारने का मौका भी बार बार मिलता है, लेकिन मतदान करने का मौका 5 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। तो आने वाली 28 नवंबर को तुम भी बिना किसी भय और लालच के मतदान कर अपना मनपसंद प्रत्याशी चुन कमाल कर डालो। जी हाँ, अब हम युवा वोटरों की बारी है अपने कीमती वोट का सदुपयोग करने की। चुनाव आयोग ने कोई मतदाता छूटे नहीं के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 18 साल के प्रत्येक युवा का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया है। कर्तव्य परायणता की मिसाल ये सैनिक जब देश के लिए जान दे सकते हैं, तो क्या हम एक वोट नहीं दे सकते? अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। प्रदेश में बीत चुकी है चुनावी बसात, कौन से मुद्दे करेंगे वोटों की बरसात? वोटर किस पार्टी पर करेगा भरोसा? किसके सिर सजेगा जीत का ताज? चुनाव चक्र देखिए मेरे साथ सिर्फ DNN पर। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे राम आप सबके अंदर भी है, हम सबके अंदर भी है, और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, नीलम त्रिपाठी जी और रमेश शर्मा जी। रमेश जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि राम एक बहुत अच्छे राजा भी थे, उनकी प्रजा उनसे बेहद खुश थी। कैसे राजा जो जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सारी प्रजा आंसुओं में थी और सारी प्रजा रो रही थी। आज के दौर में यदि देखा जाए तो आज के जो शासक हैं उन्हें राम को, राम के चरित्र से क्या कुछ सीख लेने की ज़रूरत है? देखिए, मोटे तौर पर जैसे कि हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, न केवल शासक को बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके आदर्श से सीखने की ज़रूरत है। जैसे अगर शासक के रूप में कहें या नायक के रूप में कहें, क्योंकि अगर हम जिसको शासक कह सकते हैं वो एक नायक भी हो सकता है, तो एक नायक के रूप में भी अगर हम कहें तो सबसे पहले नायक को व्यक्ति के समझने की क्षमता होना चाहिए। नायक को हमेशा किस व्यक्ति को क्या काम अलाट करना है ये उसके अंदर होना चाहिए, और किस समय पर किस तरह का निर्णय लेना है। जैसे मैं 3 उदाहरण देता हूँ। नायक को सबसे पहले तो इतना धीरजवान, इतना गंभीर होना चाहिए कि विषम से विषम परिस्थिति भी अगर सामने आ जाए तब भी वो शांत बने रहें। राम के जीवन की अगर आप पहली घटना देखें, आपको कल्पना है सवेरे उनका राज्याभिषेक होना था जी। वो सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में, उन्होंने माँ के चरण स्पर्श किए, वो पिता के पास जैसे ही गए तो उनको पता चला कि उनका तो राज्याभिषेक नहीं होगा और उन्हें तो बन जाना पड़ेगा। यानी आप कल्पना करिए उस बात की कि जिनका राज्याभिषेक होना है और सब जगह सबको पता है सवेरे वैसा दरबार लगना है,
उसके बाद उनको तापस भीष्म बन जाना पड़े, लेकिन वो शांत बने रहे और बिल्कुल भी किंचित मात्र विचलन ना तो उनके चेहरे में आया, ना मन में आया, ना वचन में आया। तो व्यक्ति को अगर आप ऊंचाई पर हैं, शासक हैं, नायक हैं, तो आपको इतना गंभीर रहना चाहिए कि किसी भी विषम परिस्थिति में आप सामान्य बने रहें। दूसरी घटना अगर आप देखें, उनके जीवन में हनुमान जी आए, जब वो सीता माता के लिए तलाश करने के लिए निकले तो उन्होंने सब लोगों से सीता माता का तो पता पूछा, लेकिन परिचय किसी से नहीं पूछा। परिचय उन्होंने केवल हनुमान जी से पूछा। उसका कारण ये है कि हनुमान जी वेश बदल करके आए थे। राम जी को ये समझने में देर न लगी कि जो व्यक्ति मेरे सामने है, जो दिख रहा है, वो व्यक्ति नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि आपन चरित्र कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा सुनाई। तो उसका तो नायक को हमेशा जो व्यक्ति बात कर रहा है उसके पीछे भेद क्या है, ये समझ लेना चाहिए। तीसरा, किस व्यक्ति को क्या काम अलाट करें। आप अगर देखें राम जी के पूरे अभियान में हनुमान जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीता माता का पता लगाया, लंका उन्होंने जलाई, अहिरावण के संदर्भ में भी हनुमान जी ही थे, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वही औषधि लेकर के आए, सारा है। हनुमान जी मूलतः सुग्रीव के दल के सदस्य थे, लेकिन जैसे ही सुग्रीव से मित्रता हुई, राम जी को ये समझते देर न लगी कि किस व्यक्ति से क्या काम लेना चाहिए। हनुमान जी सूर्य भगवान के शिष्य थे और उन्होंने उनके सामने उल्टा चल करके ज्ञान लिया। वो बल और बुद्धि के निदान थे, यानी बल के भी निदान और बुद्धि के भी निदान। ऐसे व्यक्ति की ड्यूटी सुग्रीव महाराज ने लगा रखी थी कि तुम द्वार पर रहो, जरा देखो कोई बाली का भेजा हुआ व्यक्ति हो तो मुझे छुपा देना। लेकिन राम जी को अलग लगा। एक और घटना सुनाना चाहता हूँ आपको। लंका दो लोग गए, एक हनुमान जी गए और एक अंगद गए। जब हनुमान जी जा रहे थे तो राम जी ने हनुमान जी को अलग से बुलाया और बुला करके उनसे बातचीत की, लेकिन जब अंगद जा रहा था राम जी ने अंगद जी से कोई व्यक्तिगत बात नहीं की। अंगद का फैसला राज्यसभा में हुआ। इसका अंतर जानते हैं, चूँकि हनुमान जी सीता माता के पास जा रहे थे, ये पति पत्नी के बीच का संदर्भ था, तो पत्नी को अगर संदेश भेजना है हमेशा एकांत में भेजा जाना चाहिए। अंगद राज्यसभा में जा रहे थे, उसका फैसला राज्यसभा में होना चाहिए। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है आज के संदर्भ में, पति पत्नी के रिश्ते नितांत निजी होते हैं, उनके बीच में बातचीत निजी होती है। अगर कोई हम संपर्क किसी को भेज भी रहे हैं तो वो भी बिल्कुल बंटू बन का और अति विश्वसनीय व्यक्ति हो उसके साथ भेजें, वरना संबंधों में दरार होती है, परिवारों में विघटन होता है। तो ये जो राम से हमको मिलती है, सीता की सुरक्षा के लिए उन्होंने खुद कहा, तो कहीं ना कहीं सीता की सुरक्षा के लिए उन्होंने सारा अभियान चलाया। तीसरी एक और बड़ी बात, सामाजिक समरसता के स्वरूप में राम जी अगर चाहते तो अयोध्या से सेना बुला सकते थे, कौशल से सेना बुला सकते थे, पांचाल से सेना बुला सकते थे, काशी से सेना बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाई। तो राम जी का जो स्वरूप है सामाजिक समरसता का स्वरूप है। वो शबरी के भी जूठे बेर खा रहे हैं, बानर भी उनका मित्र आ रहा है, अगर शरणागत विभीषण आ गया तो उसको भी उन्होंने बगल में बिठाया है। तो कहने का मतलब निषाद उनका मित्र है, क्रात उनका मित्र है। तो ये जो उनकी सामाजिक समरसता का स्वरूप है, ये राम से आदर्श लेना चाहिए। आज के समय में जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है, व्यक्ति व्यक्ति से नफरत कर रहा है, ऐसी स्थिति में राम का ये स्वरूप कि वो भीलनी के भी बेर खा रहे हैं, निषाद उनका दोस्त है, उनका राज्यसभा में सम्मान उसको कर रहे हैं, बानर उनका मित्र है, और किस प्रकार संगठन को खड़ा किया जाना चाहिए, ये राम से बहुत अच्छा आदर्श है, समाज को सीखना चाहिए। बिल्कुल नीलम जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो राम का चरित्र है, इसे आज के दौर में हम अपने अंदर उतारने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। पहले तो राम जी के इस चरित्र का पहले अच्छे से अध्ययन करना चाहिए जी। प्रत्येक व्यक्ति को रामचरितमानस का नित्य पाठ करना चाहिए। ये हमारे यहाँ का एक शाश्वत ग्रंथ है, प्रत्येक शब्द मंत्र है, और मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के जी। व्यक्ति से अगर कुछ गलती होती है तो वो उसके अज्ञान के कारण होती है जी, अविद्या के कारण होती है। बिल्कुल। तो ज्ञान के लिए अभिलषित होने वाला मन अगर शास्त्र की शरण में चला जाता है तब उसका त्रुटि रहित जीवन होता है जी। त्रुटिपूर्ण जीवन क्षण क्षण में समस्याएं उत्पन्न करता है, और जहां त्रुटि नहीं होती वहां पूर्णता, आनंद और उल्लास रहता है। रामचरितमानस के सभी प्रसंगों में हम देख रहे हैं कि प्रारंभ ही श्री गुरु चरण सरोज रज,
निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारे। ये चार फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही अभिलषित है। और ये अगर शास्त्र अध्ययन से मिल जा रहा है, 86 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी ने तुलसी रामचरितमानस लिखना शुरू किया था, बिल्कुल, और 126 वर्ष तक वे रहे, तो उन्होंने सारे जीवन का अपना अध्ययन इसमें लगाया है। प्रत्येक व्यक्ति से पढ़े और अपने व्यवहार में लाए, बिल्कुल, तो अपने व्यवहार में वो चीज लाए। संक्षिप्त में, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है हमारे पास, रमेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे आज का जो हम राजनीतिक स्वरूप भी देख रहे हैं, कहीं और भी देखते हैं, धैर्य की बेहद कमी है। श्री राम के साथ उनके पूरे जीवन काल में कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें क्रोध आना चाहिए था, उनके मुख से कुछ अपशब्द निकलने चाहिए थे। कई ऐसी घटनाएं हैं त्रेता युग की भी, जिसमें कई ऐसे भगवान रहे, कई ऐसे महापुरुष रहे, जिनके मुंह से तमाम सब ऊंचा व्यक्तित्व होने के बावजूद कई ऐसे वाक्य निकल गए, परंतु श्री राम ने हमेशा धैर्य साधे रहा। तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है? देखिए, मोटे तौर पर स्वाभाविक रूप से न केवल राम, भगवान के जितने अवतार हैं और जितने महापुरुष हैं, वो ऊंचाई पर इसलिए हैं और उनका माना ही इसलिए जाता है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आया। राम को कभी गुस्सा नहीं आया, कृष्ण को कभी गुस्सा नहीं आया, परशुराम जी को कभी गुस्सा नहीं आया, और तो छोड़ दीजिए विवेकानंद जी को कभी गुस्सा नहीं आया, पूज्य आदि शंकराचार्य जी को कभी गुस्सा नहीं आया। आवेश कई बार विपरीत क्षणों में एक दो बार कुछ ऋषियों में हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन आदर्श जितने हैं उनमें से गुस्सा किसी को नहीं आया। गुस्से को हमारे यहाँ अग्नि कहा गया है। जिस प्रकार अग्नि सबसे पहले अपने केंद्र को जलाती है, आप दिया जलाएंगे तो दिया बाद में चलेगा, पहले वो दिया सलाई जलेगी, तो इसी प्रकार क्रोध व्यक्ति को जलाता है। क्रोध से कितनी बीमारियां होती हैं ये कोई भी डॉक्टर आपको बता देगा। तो गुस्सा राम के जीवन से यही एक शिक्षा है कि आपको गुस्सा कभी नहीं करना। बिल्कुल, गुस्सा कभी नहीं करना, बेहद ही सुंदर वर्णन बखान हमने श्री राम का सुना। कई और कुछ बातें जानी श्री राम के बारे में, और आज के बाद हम भी आशा करते हैं कि कोशिश करेंगे राम को अपने जीवन में उतारने के लिए। बहरहाल फिलहाल आप दीजिए इजाज़त और बने रहिए डीएनए न्यूज़ के साथ। एक बार फिर डीएनए न्यूज़ की तरफ से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ।